सब्सक्राइब करें मेरे चैनल DTH न्यूज अब तक को और मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक और बताऊंगा दोस्तों, कि यदि आप एक ही सेटअप बॉक्स से, चाहे वो किसी भी कंपनी का सेटअप बॉक्स हो, टाटा स्काई डिश टीवी या कि फिर फ्री डिश वाला DTH का बॉक्स हो, तो दोस्तों यदि आपको एक ही बॉक्स से अपने घर में अलग अलग यदि दो टीवी हैं, तो दोस्तों आप बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ, जैसे कि आपको बता दूं ये AV ऑडियो वीडियो का लीड होता है, और जब हम इसके माध्यम से बॉक्स सेट अपने टीवी को चलाते हैं दोस्तों, तो पिक्चर क्वालिटी बेहतरीन आती है। और आजकल जो है तो जो भी टीवियां हैं तो ट्यूनर से नहीं चलते दोस्तों, सभी के सभी ये AV से ही चलते हैं, ऑडियो वीडियो वाले लीड से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप कैसे जो है एक ही बॉक्स से दो अलग अलग टीवी चालू कर सकते हैं। तो ये बॉक्स जिस टीवी के पास रहेगा और जो चैनल से चलेगा, तो वही चैनल से आप दूसरे कमरे पर भी देख पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये है कि हम एक ही बॉक्स से दो अलग अलग टीवी देख सकते हैं और वह कैसे चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास जो है एक ख़राब DTH का मदरबोर्ड है, और ये आप देख सकते हैं ये ऑडियो वीडियो का जो सॉकेट है, तो मैं इससे ये शोल्डिंग आयरन की मदद से जो है तो ये इसे बाहर कर लूँगा दोस्तों, और इसी से जो है तो हम दो अलग अलग TV जो है तो एक ही बॉक्स से चालू कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले इसको अलग कर लेता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने शोल्डिंग आयरन की मदद से जो है तो ये सॉकेट को अलग कर दिया है। आपको दिखाता हूं ये जो सॉकेट है, तो मेरे पास ये सॉकेट है, और दोस्तों हमको क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये न्यूट्रल, ये बॉडी जो है पूरा न्यूट्रल कहलाता है। और दोस्तों ये देखिए, ये दोनों को हमको एक वायर से, जैसे कि मैंने ये देखिए अपने पास में वायर रखा हुआ है, तो इसको दोस्तों मैं छील कर जो है, और ये जो आप देख सकते हैं ये नीचे वाला पॉइंट है दोनों, ये न्यूट्रल का पॉइंट है, तो दोस्तों मैं इसे दोनों को आपस में शॉर्ट कर दूँगा शोल्डिंग आयरन की मदद से। और ये देखिए ये जो सॉकेट है ये ऊपर नीचे, और इसको भी दोस्तों ये जो सॉकेट वाला ये वायर है, तो हमें इसको भी दोनों को आपस में ये शोल्डिंग आयरन की मदद से, ये दोनों सॉकेट को दोस्तों ये देख सकते हैं आप, दोनों को शोल्डिंग आयरन से हमको ये जॉइंट कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे जो है तो शोल्डिंग आयरन की मदद से जो है तो देखिए एक वायर लेकर और शॉर्ट कर दिया है, और ये हमारा ये न्यूट्रल वाला पॉइंट कहला जाता है, जो कि आप देख सकते हैं ये बाहर का पॉइंट जो है ये चारों पॉइंट का ये न्यूट्रल है, और ये जो मैंने इसे सोल्ड कर दिया है, आपको बारीक पास से दिखा देता हूँ, ये देखिए, और इसे भी जो है तो मैंने ये जो है तो जॉइंट कर दिया है। तो देखिए मेरे पास जो है ये ऑडियो वीडियो वाला लीड था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 पिन वाला, तो मैंने एक पिन निकाल कर और इसे काट कर आप देख सकते हैं ये अलग अलग जो है तो जो मैंने सॉकेट निकाला हुआ था, तो इसी को इसमें दोनों का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और ये देखिए ब्लैक ब्लैक वायर को जो है तो मैंने ये न्यूट्रल वाले पॉइंट में जो है दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, और ये आपका जो रेड वाले दोनों अलग अलग बचते हैं, और एक ही वीडियो के लिए और ये एक ऑडियो के लिए अलग अलग दोस्तों मैंने जोड़ दिया है। और हमें करना क्या है कि ये दोनों पॉइंट को हमें, जैसे कि हमारा बॉक्स है तो बॉक्स में आप देख सकते हैं एक ये वीडियो में और एक ऑडियो में, किसी में भी एक में लगा देना है दोस्तों हमको। और ये देखिए हमारा जो है ये ऑडियो वीडियो सॉकेट जो है तैयार हो चुका है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है तो दो सॉकेट हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक TV है और ये एक लीड जो है इस TV से जो आया हुआ है, तो जब मैं दोस्तों बॉक्स को ऑन करके और एक ये जो है तो वीडियो का दोस्तों ये मैंने एक सॉकेट जो है तो वीडियो और ऑडियो किस में लगा दिया,
और जब मैं बॉक्स को चालू करूँगा दोस्तों तो ये टीवी मेरा जो है तो एवी में ऑडियो वीडियो में बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ चलेगा। और एक जैसे कि दोस्तों जैसे कि आपके पास एक दूसरा टीवी है दूसरे कमरे से एक ये लीड दोस्तों लाया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस लीड को मैं ये जो सॉकेट एक सॉकेट बचता है दोस्तों तो मैंने ये जो है तो दोस्तों ये इसको भी लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल सा सर्किट जो है मेरा तैयार हो चुका है। और आप एक ही बॉक्स की मदद से जो है तो दो टीवी जो है तो बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। बस समस्या एक ही है कि आप अलग अलग चैनल चेंज करके नहीं देख पाएंगे। जो चैनल से आपका ये बॉक्स जिस कमरे में रहेगा और जो भी चैनल से यहाँ चलेगा तो वही चैनल से आपके दूसरे कमरे में आप देख पाएंगे। आज के लिए एक छोटा सा वीडियो यही था कि आप जो है एक बॉक्स से चाहे वो किसी भी कंपनी का सेटअप बॉक्स हो और यदि आप दो अलग अलग टीवी में एक ही चैनल से चलाना चाहते हैं तो एक सिंपल सा सर्किट है दोस्तों। एक आपको इस प्रकार से एक सर्किट तैयार कर लेना है और आप दो टीवी बड़ी आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।